ओ भाई साहब, ये केव तो बहुत ज्यादा डीप है और यहाँ पे बहुत सारा लूट भी होगा और जॉम्बी भी होगा। अरे यार, सामने एंडरमैन भी है यार। अब यार कौन मार रहा है यार, कौन मार रहा है? अरे यार, तेरा ऐसा का तैसा यार, मर साले। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो पे मैंने माइनक्राफ्ट एपिसोड 1 अपलोड किया था सर्वाइवल सीरीज का। जो जो बंदा मेरा एपिसोड 1 नहीं देखा वो जाके सबसे पहले एपिसोड 1 देख के आओ, उसके बाद एपिसोड 2 देखना, वरना तुम लोग को ऐसे एपिसोड 1 देखने में मतलब 2 देखने में मज़ा नहीं आने वाला है। इसलिए सबसे पहले एपिसोड 1 देख के आओ और मैं एपिसोड 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सबसे पहले वो देख के आओ, उसके बाद ये देखना। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक विलेज ढूंढा था, ये वाला विलेज था वो, और विलेज से कुछ अच्छा खासा लूट भी हम लोग को मिल गया था। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि एक घर बनाए विलेज में, क्योंकि अपना घर तो नहीं है विलेज में, तो उसके लिए एक अच्छा सा स्पेस भी ढूंढना है मेरे को। चलो, मेरे को तो स्पेस मिल गया अच्छा खासा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक अच्छा खासा घर बना लूँ, डट वगैरह देके और वुडन प्लैंक से अच्छा खासा घर बना लूँ। तो सबसे पहले जो मेरे को चाहिए, बहुत सारा डट चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। वुड प्लैंक तो मेरे पास है और लकड़ी भी है मेरे पास, मेरे पास डट नहीं है। तो सबसे पहले मैं वो माइनिंग करके लाता हूँ। ओके, तो फाइनली मेरा माइनिंग करना कंप्लीट हो चुका है और माइनिंग के टाइम मैंने एक डॉग भी टेम किया था, देखो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक बॉर्डर टाइप का बना लूँ डर्ट का भी। मेरे पास 64 बिट का 2 स्टैक है, तो मेरे ख्याल से ये मोर देन एनफ होगा। तो मैं यहाँ से डर्ट का एक बॉर्डर बना लेता हूँ, देखते रहो। ओके, तो फाइनली मेरा बॉर्डर करना तो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं सोच रहा हूँ इसके बीच में डर्ट का पूरा मतलब भर देता हूँ डर्ट से, उसके बाद वुडन प्लैंक से साइड का दीवार भी कर दूंगा। तो चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। ओके, तो मैंने घर का फर्स्ट लेयर तो कर दिया है और यहाँ से कैसा लग रहा है मेरे को बोलो यहाँ से दिखने में। और मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा ऊँचा भी करूँगा इसको, अभी फ़िलहाल तो एक ही फ्लोर करूँगा, वरना उतना कुछ सामान मेरे पास नहीं है। और यहाँ पे फेंस लगा देता हूँ क्योंकि मेरे को खाना का ज़रूरत है और ग्लास का भी ज़रूरत है, तो यहाँ से फेंस लगा देता हूँ। उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा सैंड देके ग्लास कर लेता हूँ, वरना सबसे पहले ग्लास करूँगा वरना घर हमारा कम्प्लीट नहीं होगा। तो अभी हम लोग पूरा घर को कम्प्लीट कर लेते हैं। ओके, तो फाइनली मैंने यहाँ पे घर बना चुका हूँ। ओ माय गॉड, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ पे घर बनाया है एक अच्छा सा। अभी तो फ़िलहाल फर्स्ट फ्लोर ही है, लेकिन क्योंकि मतलब सेकंड फ्लोर करने के लिए उतना कुछ सामान पानी मेरे पास नहीं था। और मैंने यहाँ पे डोर बहुत बढ़िया बढ़िया लगा है, देखो यहाँ पे क्या बढ़िया सा डोर है और अंदर से देखो क्या बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही है, मतलब कोई ज़ॉम्बी का डर वगैरह तो फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि मतलब गाँव का एकदम एंड पे है। अगर गांव का पहले होता तो फिर जॉम्बी का डर होता। और यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है मेरे को, वरना अच्छा नहीं दिख रहा। ओके, तो ऐसे करके मैं चलो हाँ लगा दिया, चलो बहुत बढ़िया, अभी फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। और कुछ भी बोलो भाई, बात तो है घर पे, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया घर है, लेकिन बात तो है घर पे। चलो कोई बात नहीं, सर्वाइवल वॉल का पहला घर ऐसा ही होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ को कटिंग कर देता हूँ, क्योंकि पेड़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पेड़ तो मैंने कटिंग कर दिया, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, अरे यार क्या बेकार सा लग रहा है यार, काटो थोड़ा सा और काटो यार, क्या बेकार सा डिज़ाइन कर दिया मैंने यार, पूरा पेड़ अच्छा खासा था, पूरा पेड़ गंजा कर दिया देखे। ओके, तो अभी मेरे को टॉर्च बनाना है, क्योंकि टॉर्च अंधेरा में बहुत ज़्यादा काम आएगा माइनक्राफ्ट में। ओके, तो फिलहाल मैं 8 या 10 12 बना लेता हूँ। चलो 12 बना लिया, बहुत बढ़िया है। तो अभी मैं घर के चारों साइड पर 4 टॉर्च लगा देता हूँ, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। चलो पूरा घर अंधेरा से मतलब पूरा हरियाला हो गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह मैं जहाँ से आया था पिछले एपिसोड में एक बहुत बड़ा गुफा देखा था। तो जो जो बंदा पिछले एपिसोड देखा है तो उसको पता होगा, बहुत बड़ा गुफा देखा था, वहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने जाने वाला हूँ। और वैसे मेरे पास तो मतलब पिकैक्स वगैरह तो पहले से ही है, मतलब अच्छा खासा मिल गया था, लूट लग अच्छा है। तो अभी स्वॉर्ड में बना लेता हूँ और एक सील बना लेता हूँ। चलो सील मेरे को बहुत काम आएगा, वरना ज़ॉम्बी लोग वो स्केलेटन लोग जो तीर मारते हैं ना, वो मेरे को मतलब घंटा नहीं छोड़ेगा, मेरे को पूरा मार डालेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शील्ड को लगा लेते हैं, क्योंकि शील्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है माइनक्राफ्ट में। ओके, तो अभी मैं चेस्ट को ओपन करके मेरा जो बेकार सामान है, मतलब जैसे कि ये कोल, बेकार मतलब जो भी माइनिंग में काम नहीं आएगा, फ़िलहाल एक पिकैक्स में रख देता हूँ, क्योंकि बाद में काम आ सकता है अगर मैं वहाँ पर मर भी गया। ओके, तो सब कुछ रख दिया और मुझे खाना का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बाद कुछ बेकार जो जो है हड्डी यहाँ पे रख देता हूँ, हड्डी नहीं चाहिए मेरे को, और ये घोड़े का भी नहीं चाहिए, और मेरे को ये पेड़ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि फ्लिंट एंड स्टील भी रख देता हूँ, आयरन नगेट भी रख देता हूँ।
क्योंकि ये सब चीज़ ना बेकार है जो कि मुझे एक भी काम में नहीं आएगा। ओके तो यहाँ पे ये सब चीज़ रख देता हूँ और कॉबल स्टोन भी रख ही देता हूँ मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि कॉबल स्टोन से हम लोग बाद में पिकेक्स वगैरह बना पाएंगे अगर कहीं भी ख़त्म हो गया तो। ओके तो अभी सब कुछ फिलहाल मेरे पास अच्छा खासा है। अभी मेरे पास थोड़ा सा खाना ले लेता हूँ। चलो तीन अभी तक हुआ है तो तीन मतलब शायद से इनफ हो जाएगा मेरे लिए। ओके पहले खा लेते हैं खाना, मेरे पास तो मतलब बिल्कुल फूड नहीं है। ओके एक, चलो दो तो ख़त्म यहीं पे हो गया लेकिन मेरे को एक और चाहिए। चलो मिल गया, शायद से मेरे पास जो दो है वो इनफ होगा। चलो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ उस गुफा पे माइनिंग करने के लिए। चलो देखते हैं उस गुफा पे क्या मिलता है। ओके तो फाइनली मुझे वो गुफा तो मिल गया और ये गुफा भाई साहब क्या मतलब डीप केव है। तो मैं यहाँ से उतरने तो वाला हूँ लेकिन बहुत सेफ उतरने वाला, क्योंकि अगर मैं फंस गया तो फिर काम तमाम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कूद जाता हूँ। चलो ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पे धीरे धीरे ब्लॉक वो करके कूद जाता हूँ, क्योंकि बाद में मेरे को वरना उड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मेरे को उड़ने में प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर काम तमाम हो जाएगा बाद में, अगर जॉम्बी वगैरह पकड़ ले रात हो गया तो फिर। तो यहाँ से मैं धीरे धीरे करके आता हूँ, क्योंकि देखो मुझे केव बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे तो, वरना मैं केव में बहुत बार मर चुका हूँ। मतलब जो पहले मैं वर्ल्ड में खेल रहा था उस वर्ल्ड पे भी ऐसा एक केव था जहाँ पे मैं बहुत बार मर चुका हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ खेलना अच्छा होता है। तो सामने जॉम्बी वगैरह भी मेरे को दिख तो रहा है और मेरे को वहाँ से आयरन भी दिख रहा है। चलो आयरन और तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ से। ओके तो फिलहाल तो हम लोग नीचे आ गए, लेकिन नीचे आने के बाद ही मेरे ऊपर मकड़ी ने अटैक कर दिया स्पाइडर ने। तो हम लोग को सबसे पहले स्पाइडर को मारना भी है। यार डैमेज भी तो कर रहा है ये स्पाइडर। चलो और भाई जॉम्बी भी आ गया यहाँ से, देखो जॉम्बी भी आ गया स्पाइडर भी आ गया। देखो मारो मारो यहाँ से मारो, अच्छा पोजीशन है। चलो जॉम्बी भी तो ऐसे मर जाएगा धीरे है बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर जो लगता है क्रीपर और स्केलेटन से। वो मतलब क्रीपर इतना फटता है और स्केलेटन भाई साहब दूर से मारे ही जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉर्च लेके ना सामने जाके टॉर्च लगा देता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे पास टॉर्च है तो फिर तुम मतलब बच सकते हो। जॉम्बी लोग टॉर्च में या फिर मतलब जहाँ पे लाइट होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं आता, इसलिए घर के अंदर या फिर घर के बाहर सब लोग टॉर्च लगाते हैं। तो चलो यहाँ पे मेरे को फ़िलहाल तो एक मिला और यहाँ पे भी अच्छा खासा लूट मेरे को मिल जाएगा। चलो दो तीन मिला, चार, यहाँ पे पाँच है, छः है, ओके चलो सात, ओके यहाँ पे भी है आठ। चलो ओके तो हम लोग को आठ यहाँ पे आयरन ओर मिल चुका है पहले माइनिंग पे, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और मेरे को सामने सामने सब कुछ मिल जाए वो एक अच्छा लक है मेरा। तो थोड़ा सा इस गुफा को मैं एक्सप्लोर करता हूँ, तो देखते सामने जाके क्या है। यहाँ पे आयरन भी है नीचे। ओके तो सामने अगर कुछ डायमंड वगैरह मिल जाए तो फिर बहुत बढ़िया होगा, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ओके तो नहीं, डायमंड वगैरह तो नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ से। ओ भाई साहब ये गुफा तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है यार, मैं तो बाद में इस पर कन्फर्म आऊँगा। ओके तो चलो यहाँ से ले लेते हैं, कितना मिलता है देखते हैं। एक दो तीन, ओके यहाँ पे हम लोग को चार मिल गया, पाँच छः सात आठ नौ, चलो नाइन आयरन और मिल गया यहाँ पे मेरे को। यार बहुत सारा आयरन आने वाला है मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं। ओके तो अभी फ़िलहाल मैं सामने भी मतलब माइनिंग कर लेता हूँ, पीछे से कोई आ तो नहीं रहा भाई। सामने वो क्या चीज़ है? चलो स्लाइम है, स्लाइम कुछ नहीं करेगा। ओके तो यहाँ पे मैं ये भी माइनिंग कर लेता हूँ। ओके एक दो तीन चार, चलो मेरे को पाँच मिल गए यहाँ पे। चलो कुल मिलाकर 21 या 22 ऐसा ही हुआ। और कौन मार रहा है? अरे यार चलो तू तो मर जाएगा मेरे सामने यार। मकड़ी देखो आके आके मार रहा है, कहाँ से स्पॉन हुआ पता भी नहीं, अभी मैं वहीं से आ रहा था। ओके तो अभी मैं फ़िलहाल जो हूँ मतलब मेरे को अच्छा खासा लूट मिल चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी घर जाने का, क्योंकि घर के बिना अगर मैं मर गया यहाँ पे तो फिर मेरा सारा सामान यहाँ पे गिर जाएगा। ओके तो जॉम्बी का भी साउंड यहाँ से आ रहा है, लेकिन कहाँ है जॉम्बी पता नहीं मेरे को। ओके क्योंकि अगर घर में यहाँ पे मर गया तो फिर मेरा सारा सामान यहाँ पे रह जाएगा, और आते आते मैं फिर से ऊपर से नीचे आऊँगा तब तक मेरा सारा सामान डिस्पॉन भी हो सकता है या फिर मैं मर भी सकता हूँ जॉम्बी आ गया तो। ओके तो कोल मेरे को मिल गया चार। ओके तो अभी मैं सोच रहा हूँ घर जाने का। ओके तो फाइनली मैं यहाँ पे घर तो आ चुका हूँ। तो अभी मैं मेरे पास जो जो मिला है वो सब कुछ मैं फर्नेस पे देने वाला हूँ आयरन इंगोर को। ओके यहाँ पे हमारा दो खाना भी हो गया, तो आयरन इंगोर को हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं और इससे हम लोग को आयरन भी मिलेगा, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। तो मैं सोच रहा हूँ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करने, क्योंकि 10 मिनट होने वाला है और तुम लोग इतना बड़ा वीडियो देखोगे भी नहीं।
तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और तुम लोग को ये वाला सीरीज देखना है तो मुझे कॉमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।